बालाजी हिंदी प्यारों में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 25 से लेके 31 मई तक, मतलब 25 to 31 मई तक होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका लव लाइफ कैसे जाने वाला है, लव रिलेशनशिप में जो है और जो शादीशुदा है उनके लिए होगी ये रीडिंग। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या रहेगी। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ आप लव रिलेशनशिप में हो। चैरियट, अभी हम इस चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि चैरियट के कार्ड क्यों आए हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में ये पर्सन जिनके साथ आपका रिश्ता है ये गिव अप करना नहीं चाहते हैं रिश्ते से, ये रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। चैरियट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, एस ऑफ किंग्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ ये बंदा रिश्ते को, बंदा या बंदी जो भी है, रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। उनका जो इमोशन है इन दिनों ओवरफ्लो हो रहा है, इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहा है बहुत ज़्यादा। ये एक स्टेबल ऑफर आपको देना चाहते हैं, जो कुछ हो हुआ रिश्ते में, अगर रिश्ते में कुछ नो कांटेक्ट या कुछ परेशानी कुछ भी इस तरीके का चल रहा है, हालांकि ये लव एंड रिलेशनशिप का रीडिंग है, लेकिन कुछ परेशानी ज़रूर चल रहा है रिश्ते में, तभी ये बंदा रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं, एक नई बिगिनिंग नए स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, साथ ही साथ अपना भी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं और अपनी पोजीशन को भी बहुत अच्छी तरीके से होल्ड करते हुए रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। क्योंकि इन दिनों उनके दिमाग में हमेशा आप हो और आपके साथ रिश्ते में जो भी कुछ हुआ है, जो भी परेशानी चल रहा है, उन चीज़ों को ख़त्म करके रिश्ते को एक नई शुरुआत देने के बारे में ये सोच रहा है, जिसकी वजह से इनका जो इमोशन है ये ओवरफ्लो हो रहा है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपके साथ उनका सोल कनेक्शन है, उन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो उन गलती को सुधारने के लिए और उन्होंने अपनी एनर्जीज को भी बहुत अच्छी तरीके से इन्हेंस किया है, यूनिवर्स के साथ खुद को कनेक्ट करने की कोशिश भी किया है, तो ये रिश्ते में नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। गिव अप नहीं करेंगे, किसी भी कीमत में गिव अप करने के बारे में नहीं सोच रहा है। अगर पहले इन्होंने आपके लिए कोई भी स्टैंड नहीं लिया था, कुछ नहीं करते थे, अपने लिए खड़ा नहीं होते थे, अपने स्टेबिलिटी के बारे में नहीं सोचते थे, तो अभी ये सारी चीज़ों को करेंगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने की कोशिश करेंगे, नया काम जॉब बिजनेस पाने की कोशिश करेंगे, अपनी स्टेबिलिटी भी पाएंगे, रिश्ते में भी रिश्ते को दोबारा मौका देना ये चाहते हैं। अभी हम देखेंगे टॉरस आप खुद क्या चाहते हो, मतलब आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस देख लेते हैं, टॉरस यानी वृषभ राशि आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, देख लेते हैं सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं तो देख लेते हैं कि सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं।
मुझे लगता है कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम है आप लोगों के रिश्ते में, फिनेंस को लेके आप लोग परेशान हो, जिसकी वजह से रिश्ता स्टक हो गया है, थम सा गया है, रुक सा गया है। तो आपने रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में अभी सोचना शुरू कर दिया है, आपको लग रहा है कि ये रिश्ता काम नहीं कर रहा है, फिनेंस इस रिश्ते में गड़बड़ कर रहा है। आप बहुत सेक्रीफाइस किया होगा आपने इस रिश्ते के लिए, आपने बहुत सेक्रीफाइस किया होगा, लेकिन आपकी सेक्रीफाइस इस रिश्ते में कोई भी रंग नहीं ला पा रहा है। जितना भी करना था आपसे, जितना हो सकता है आपने किया, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। कुछ पुरानी बातों को आप अभी भी भूल नहीं पा रहे हो। आपने बहुत सोच समझ के साथ किसी के साथ मिलके कुछ नया जॉब बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि स्टकनेस से रिश्ता थम सा गया है, रुक सा गया है, रिश्ते में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। रिश्ते में सैक्रिफाइसेस के बारे में सोचते हुए आप रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो करंटली। फिनेंशियल प्रॉब्लम इस रिश्ते की जड़ है। मुझे लग रहा है कि फिनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ही रिश्ता खराब है आप लोगों का। फिनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से रिश्ते में परेशानी आ रहा है। तो अपने फिनेंस को आप सही करने के बारे में सोच रहे हो, कोई नया बिजनेस, कोई नया जॉब डालने के बारे में सोच रहे हो, बिजनेस डालने के बारे में सोच रहे हो किसी की मदद के साथ, और आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में करंटली सोच रहे हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर हो सकता है आपके पर्सन। देख लेते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड की, ये स्टेबिलिटी और पैसे की मामला है। यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे टू ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस एंड मून के कार्ड के साथ। आपके पर्सन दुखी हैं, परेशान हैं, कुछ अनहोनी होने की डर से बंदा परेशान है। हो सकता है इनके पास और रिश्ता है, पहले से इनके पास कोई ऑप्शन है, लेकिन इनको दोनों ऑप्शन चाहिए, आप भी चाहिए, ये भी चाहिए। ये किसी के साथ जस्टिस करना चाहते हैं, लेकिन उस जगह पर इनको झूठ बोलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बंदा परेशान है। अगर ये खुद एस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं, स्टेबिलिटी पर काम करते हैं, तो इनको शायद ही किसी को झूठ बोलना ना पड़े, इस सोच के साथ ये बंदा परेशान रहेंगे इन दिनों। ये चाहते हैं कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, रिश्ते में किसी को जस्टिस मिल जाए, क्योंकि इनके पास और एक रिश्ता है आपके अलावा भी, और उस वजह से ये झूठ बोले जा रहा है, या तो उनसे या तो आपसे। ये जस्टिस तो करना चाहते हैं दोनों के साथ, लेकिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इनडिसाइसिव रहेंगे। एक तो इस रिश्ते को ये मौका देना चाहते हैं, और दूसरा इनके पास पहले से जो रिश्ता है उस रिश्ते को भी ये छोड़ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से दोनों रिश्ते को बैलेंस करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, और ये झूठ कहेंगे, परेशान रहेंगे। पुरानी कुछ ट्रॉमाज इनको परेशान कर सकते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा इनको परेशान कर रहा है, कुछ बैगेज जो होगी पुरानी उनको परेशान करेंगे। इस अनहोनी, मतलब जो अब तक नहीं हुआ, हो सकता है परेशानी, हो सकता है रिश्ते में रुकावट आ सकता है, हालांकि आ चुका है। इन बातों से बंदा परेशान रहेगा, और इनडिसाइसिव होने की वजह से कितना भी ये जस्टिस के बारे में सोचे, किसी के साथ ये जस्टिस नहीं कर पाएगा, इस सोच के साथ भी बंदा परेशान रहेगा। ये चाहते तो हैं स्टेबिलिटी, ये चाहते तो हैं जस्टिस करना, चाहते तो हैं बैलेंस करना, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पा रहा है। आप किसी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, कोई जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एक्यूरियस भी हो सकता है, कोई भी राशि के हो सकते हैं, लेकिन बंदा या बंदी जो चाहते हैं अपनी स्टेबिलिटी, अपनी तरीके से रिश्ते को चलाना, अपने हुकूमत चलाना, झूठ फरेब से दूर रहना, लेकिन ये खुद ही झूठ में फंसा हुआ है, क्योंकि इनके पास और रिश्ते हैं, उनको भी संभालना है, आपको भी संभालना है, आपके साथ रिश्ते को भी संभालना है,
तो झूठ तो ये बोलेंगे ही बोलेंगे। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। ये चाहता तो बहुत कुछ है, चाहता या चाहती है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। किसी एक को ये चुनेंगे नहीं, इनको दोनों चाहिए, दोनों हाथों में लड्डू चाहिए इनको। और ये इनडिसाइसिव है, बैलेंस नहीं हो रहा है इनसे, किसी के साथ भी ये जस्टिस नहीं कर पा रहा है, ना कि खुद के साथ, क्योंकि इनका दिल कहीं रहेगा और दिमाग कहीं रहेगा। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। टॉरस, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में टावर का कार्ड है। आप चाहते हो कुछ ऐसा हो जाए जिससे सब कुछ सही हो जाएगी। आप लड़ाई झगड़ा, मेंटल कंफ्लिक्ट ये सब नहीं चाहते हो। आप स्लोली बट श्योरली रिश्ते स्टेबल हो जाए इसके बारे में सोच रहे हो। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको चाहिए, आप हार्ड वर्क भी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। आपको पता है कि मेहनत के बगैर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। साथ ही साथ आप अपना ख्याल रखना चाहते हो, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ केयर में आप बिलीव करते हो और आप चाहोगे भी। आपके पास बहुत ज़्यादा परेशानी रहेगा, मेंटल कंफ्लिक्ट रहेगी, क्योंकि आप रिश्ते से मूव ऑन करना भी चाहते हो, साथ ही साथ आप खुद भी नहीं भी चाहते हो। हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हो, होना चाहते हो, बच्चों की माता या पिता बनना चाहते हो। जो लोग ये नहीं चाहते हैं वो सेल्फ केयर, सेल्फ लव में डिपेंड बिलीव करेंगे। खुद की मेहनत से कमाया हुआ पैसा खुद पर खर्च करना आप पसंद करोगे। अपने लुक का ख्याल रखना, अपना हेल्थ, अपना कपड़े अपने और अपने रहन सहन लाइफस्टाइल का आप बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहोगे। ऑपोजिट जेंडर के लोग आपको देख के अट्रैक्शन फील करें इस बात का आपको पता है कि आप इस तरीके से खुद को मेंटेन करोगे। साथ ही साथ कुछ नया पैसे से रिलेटेड कुछ नया काम धंधा शुरू करने के बारे में आप सोच रहे हो। कहीं आपका पैसा अगर रुका हुआ है, अटका हुआ है, वहाँ से आपका पैसा मिल जाए इसके बारे में आपके सोच रहेगी। आप मेहनत करोगे, जीत और मेहनत करोगे ताकि आपको अपने मेहनत का पैसा बहुत जल्द मिल जाए। इसकी कोशिश भी आप करोगे और जितना मिलेगा आपको वो पूरा पैसा, पूरी जो मेहनत का जो आपका पैसा वो आप अपने में खर्च करने में बिजी रहोगे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी को आप इस वजह से चाहते हो कि आपको किसी पर डिपेंड होना ना पड़े, इंडिपेंडेंट हो के आप इन चीज़ों को करना चाहते हो। कोई यहाँ सिंगल मदर भी हो सकता है जो प्रेग्नेंट है या फिर बच्चे हैं उनके, तो वो बच्चों के लिए सिंगल मदर होते हुए या सिंगल फादर हो सकते हैं जो मेहनत करके उनके परिवार को चलाने के, बच्चे को ख्याल रखने के बारे में सोच रहा है। दिल की लगाव आपके साथ हैं, अपनी स्टेबिलिटी अलग जगह है, लेकिन आपके तरफ से कोई भी ऐसा ठोस स्टेबिलिटी की ऑफर उनके तरफ नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आप जो हो टॉरस, आप अपने बारे में सोचने में बिजी रहोगे, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओगे, एस्टेब्लिश होने की कोशिश करोगे और अपने बारे में अच्छा सोचोगे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने की भी आप कोशिश करोगे। देख लेते हैं रिश्ते के आउटकम क्या हो सकता है। वर्गो हो सकता है, पाइसिस हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, आपके पर्सन कैंसर हो सकता है। हाइलाइटेड राशियां यही है, बाकी सारे 12 के 12 राशि हो सकते हैं, क्योंकि मेजर अर्कना के बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। एट ऑफ पेंटिकल्स, देखो अभी हम ये एट ऑफ पेंटिकल्स को पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर देखते हैं एट ऑफ पेंटिकल्स का माजरा क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए।
किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ें और मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें। चैरियट के कार्ड दो बार आए हैं, एक बार आपके पर्सन की तरफ से, एक बार म्यूचुअल एनर्जी में। मैं यही समझूंगी म्यूचुअल एनर्जी में भी उनका ही एनर्जी आया है और एनर्जी वाइज वर्सा भी होते रहते हैं। देखो, कोई एक है जो बेसब्री से रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन का इंतज़ार कर रहा है, ब्रांड न्यू बिगिनिंग का इंतज़ार कर रहा है। कोई है जो अपने गलती को समझता है फिर भी रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। उनकी मजबूरी को वो जानते हैं कि वो मजबूर हैं, मजबूरी की वजह से वो एक और जो रिश्ता है उनके पास उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसके अलावा भी आपके साथ जो रिश्ता है उसे भी ये पाना चाहते हैं, ये पुराने दिन वापस पाना चाहेंगे, मतलब नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे, रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोचेंगे, ब्रांड न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि हो सकता है महीनों से, सालों से बंदा इंतज़ार कर रहा है या महीनों से इंतज़ार कर रहा है रिकॉन्सिलेशन हो जाए, दोस्ती हो जाए कम से कम, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा परेशानी है। रिश्ते को दोबारा मौका मिल जाए, रिश्ता सही हो जाए, एक दूसरे के साथ कम से कम दोस्ती का रिश्ता तो रख ही सकते हैं। एक नई शुरुआत, कुछ नया करना चाहते हैं जो जिसे देख के दूसरे लोग भी इंस्पिरेशन ले पाएंगे। इस रिश्ते की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को कुछ नए तरीके से तैयार करके लोगों के सामने मिसाल बनना चाहते हैं। यही रहेगा आप लोगों की आउटकम, रिश्ते को मौका मिलेगी, आप लोगों को एक दोबारा से मौका मिलेगा, आप लोग रिकॉन्सिलेशन में भी आओगे, एक दूसरे के सामने आओगे, रिश्ते को मौका मिलेगा और एक दोस्ती होगी। आप लोगों का रिश्ता डेफिनेटली एक न्यू सर्कल में जा रहा है। एक जो घिसा पीटा सर्कल चल रहा था, ना समझी का, ना समझी, समझदारी की कमी, अपना अपना ख्याल रखना, कोई एक परेशान रहे, उस स्थिति से ये रिश्ता बाहर आएगा और ये रिश्ता एक नए सर्कल में जाएगा। हो सकता है आप दोनों घूमने जा सकते हो, आप लोग स्पिरिचुअली खुद को बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हो, कोई एक है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, या दोनों के दोनों हो सकते हो। स्पिरिट के साथ आप कनेक्ट करने के बारे में सोचोगे, कनेक्ट ऑलरेडी कर चुके हो तभी रिश्ते को मौका देना, मौका पाने के बारे में सोच रहे हो। जो भी है स्पिरिचुअल लोग हैं, स्पिरिचुअल बंदा या बंदी हो, और एक दोस्ती के साथ रिश्ता दोबारा से शुरू होने जा रहा है, किसी का इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। टॉरस, एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं, रिकॉन्सिडर आस्क योर एंजल एंड लुक फॉर ए साइन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने जो भी डिसीजन लिया है वो सही है या गलत है, तो आप अपने एंजल से पूछ सकते हो, अपने प्रश्न को दोबारा से रिकॉन्सिडर कर सकते हो। अगर सच में आपको लगता है रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो पिछली बातों को आपको याद करना है और अपने डिसीजन को रिकॉन्सिडर करना है। दूसरी बात, अगर आपको ये जानना होगा कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ ये सही या गलत है, तो आपको यूनिवर्स से कोई साइन मांगनी पड़ेगी। जैसे कहीं से फेदर गिरना होता है, जैसे कहीं से कोई आपको ऐसा कुछ दिखाई दिया, कोई एंजल नंबर, कोई सिंक्रोनोसिस, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो डिसीजन है ये सही है या गलत है। और उसके बाद भी अगर आपको परेशानी हो रहा है तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन आपको आपकी प्रश्न का उत्तर भी दे देगा और आपकी जो भी परेशानी है उससे आप खुद को बाहर भी पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।